सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मोदी जी जो है वो एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के नाम पे तो आम आदमी ने बस खाली रिश्वत खाई है या उनके दरवाजे खटखटाते रहो छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए, तो वो बस खाली टाइम पास ही किया इन्होंने। लोकतंत्र हमें मोदी से बचाने की ज़रूरत नहीं है, लोकतंत्र हमें उनसे बचाना है जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं। कोविड के बाद से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ भारत ही एक देश है जिसने बहुत हद तक अपनी महंगाई को कंट्रोल, यहाँ की महंगाई को कंट्रोल करके रखा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का सशक्त और दूरदर्शी सोच है। माहौल यहाँ बड़ी शांत है, कोई आते नहीं थे, टूरिज्म प्लेस नहीं था। इन्हीं सब को देखते हुए मोदी जी के शासनकाल में बनारस खूब उभर रहा है और ये गारंटी है कि मोदी जी फिर यहाँ से जीतेंगे, हारेंगे नहीं। गुंडागर्दी तो कम हुआ है लेकिन ये गुंडागर्दी तो है, रुकने वाला नहीं है। अब महंगाई बेरोजगारी सब कुछ है देश के अंदर, कुछ महंगाई रोजगारी बेरोजगारी है लेकिन उतना मतलब कि यहाँ पे दे दिया गया है सुविधा कि यहाँ के लोग खा सकते जी खा सकते हैं। हाँ नमस्कार, हम अपनी चुनावी पड़ताल को लेकर पहुंच चुके हैं बनारस के 80 घाट पे। हम लगातार आपको बनारस से खबर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और ये जो है बनारस का 80 घाट है, बहुत फेमस घाट है। जगह जगह से जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, इस घाट को देखने के लिए। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये एक जो खुद जितना खूबसूरत ये घाट बनाया गया है, ये 80 घाट है। बहुत जितने भी होटल्स वगैरह हैं आपको यहाँ पर आसपास में भी दिख जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं जो अहम मुद्दा देश में चल रहा है, वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। रात के इस वक्त लगभग 11 बज रहे हैं और देखिए 80 घाट पे कितनी सारी जनता जो है वो यहाँ पर घूमने आई हुई, अलग अलग जगह से बनारस आते हैं लोग, श्रद्धा का भी यहाँ पर मामला होता है। तो हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या है इस बार का चुनावी समीकरण, किधर जाएगा। सर क्या नाम है? विवेक मिश्रा है सर नाम। क्या यहीं बनारस के रहने वाले? जी हा? रहने वाले मैं बिहार का हूँ। अच्छा, बिहार में कहाँ से? कैमूर। तो बताइए क्या चल रहा है इस बार देश में, माहौल क्या है? मोदी जी हर तरफ छाए हुए हैं, 300 पार का नारा दिया जाए। नहीं 350 मैक्सिमम। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जाएंगी। अच्छा। जैसे कि गाजीपुर मुख्तार अंसारी का हो गया वो सीट, या फिर कहें सीट जीत भी सकती थी बीजेपी लेकिन उनके मरने के बाद वो अलग ही भावुकता वाला माहौल क्रिएट हो चुका है वहाँ पे, इसलिए वहाँ की सीट तो जा रही है। गाजीपुर की सीट आ रहा है और यहाँ पे बस अजय राय फाइट दिए नहीं पाएंगे लेकिन एक उम्मीद है, उनका लोकल क्षेत्र है लेकिन अजय राय देंगे भाई? बिल्कुल नहीं देंगे, कहीं से नहीं भाई। मोदी लोकल क्षेत्र ऐसा नहीं है कि मतलब कम, इसके पहले भी लड़ चुके थे उनको देखा जा चुका था लेकिन ऐसा कोई क्रेडिट ही नहीं है कि मतलब उन ऐसा लगे कि उनको कहा जाए, बस नाम के लिए लोकल है। अच्छा, नाम के लिए ही लोकल है, काम के लिए लोकल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वो भी तो यहाँ के नहीं है? नहीं है जरूर नहीं, लेकिन हम लोग इतना किए सोचे। अब आज देखिए, तब जब नहीं थे तब क्या था, अभी क्या है? अभी इतना रोजगार है, सब कुछ दे रहे हैं भाई, तो आदमी उसी को देखेगा, देना चाहेगा तो करेगा भाई, कि जो जिससे हमारा दो वक्त पेट चल रहा है। तो आदमी विपक्ष कहाँ कह रहा है कि बोला रोजगार है नहीं है महंगाई, विपक्ष की बात छोड़ दो आप, अभी 11 बज रहे हैं आप घाट पे आए हुए हो, यही भाई है इनकी दुकान यहाँ चल रही है। आज के 2013 से पहले आप घाट पे अगर आप आए होगे कभी तो देखे होगे, ये चीज नहीं था। 11 बजे लोग यहाँ नहीं थे, 80 को लोग पूछते नहीं थे, जानते नहीं थे। जब से मोदी जी, बस बनारस का एक ही घाट फेमस था, घाटों के लिए जाना जाता है बनारस, ही बात नहीं है सिर्फ बनारस के लिए, घाट एक ही फेमस था वो था वो दशाश्वमेध। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे फ्रांस जर्मनी किसको नहीं लाए हैं मोदी जी, बिल्कुल भाई आकर देखिए, ला कर जाते हैं देखा तो घुमाते भाई, अब हमारा कितना आगे तक कल्चर गया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम रजनीश मिश्रा है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो रहने वाले आजमगढ़ के, यहाँ BHU के छात्र हैं हम। अच्छा, BHU के छात्र हैं, क्या क्या कर रहे हैं पढ़ाई? मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ अभी फिलहाल। एग्रीकल्चर, मैं बताना चाहूँगा कि अभी बिहार वाले भैया थे वो यूपी की जो सीट से उसको डिसाइड कर रहे थे, बट हम यूपी के हैं और हमारा बगल का जिला गाजीपुर जिला है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले, आएंगे वहाँ पे मोदी जी ही, वहाँ कमल ही खिलेगा। और बनारस में आप आए हैं, आपने अभी उनसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे क्या बदलाव आया है, आप देख सकते हैं हमारी माता जी हैं, हमारी बहनें हैं, इतना खुलेआम यहाँ घूम रही हैं और इतना लोगों के बीच में उठ बैठ रही हैं, यहाँ कोई किसी से कोई डर का माहौल नहीं है। तो भाजपा कहने इतना बड़ा बदलाव आया है आप देख ही सकते हैं। आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या लग रहा है जो किसानों के जो मुद्दे हैं, जो किसान मुद्दे उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को देखिए हमारे में मॉडर्नाइजेशन लाया जा रहा है, जैसे जो भी एग्रीकल्चर का सेक्टर है इसको मॉडर्न तरीके से किया जा रहा है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, इतनी सारी मशीनें आ रही हैं जो हमारे फील्ड में किसानों के लिए हेल्प कर रही हैं, और
इतनी सारी, अब हमारे यहाँ देखिए DAP यूरिया कितने सस्ते हो गए हैं, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में हो गए, अब कोई भी किसान इजीली यूज़ कर सकता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मोदी जी जो है वो एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती करिए आप लोग, जो कि स्वास्थ्य के लिए और इन फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक तरफ जो है विपक्ष कह रहा है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है ये लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है, अगर इस बार हम लोग हार गए तो फिर देश का हमें किससे लोकतंत्र बचाना है, यही तो हमें मोदी जी से गलत है, लोकतंत्र उनसे बचाना है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। अच्छा। लोकतंत्र हमें मोदी से बचाने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र हमें उनसे बचाना है जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं। ईडी सीबीआई ला करके लोकतंत्र की हत्या की, ईडी सीबीआई फ्री है, दे आर फ्री टू वर्क, उनको कोई पाबंदी नहीं, वो किसी के कहने पे कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो जब भी करेंगे वो अपने फ्री माइंड से करेंगे। जो विपक्षी दल चले जाते हैं बीजेपी में, जो विपक्षी दल चले जाते हैं बीजेपी में तो कार्रवाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं भैया, उन कार्रवाई उन पे भी होती है। और जैसे क्या है कि अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखिए आप अगर सही हैं तो आप हमेशा सही के फैसले लेंगे, आप अगर गलत हैं तो आप हमेशा गलत पे, देखिए गलत कितना भी सही बोल ले एक दिन वो फंस ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ रही मोदी जी की ईमानदारी, मोदी जी की ईमानदारी, आज मोदी जी का लोग कहते हैं तो मोदी जी का परिवार नहीं, मोदी जी का परिवार नहीं है, आप पूरा ट्विटर खोल के देख लीजिए, आप पूरा फेसबुक खोल के देख लीजिए, सारे इंडियन जो है भारत का जितना ही परिवार है सब मोदी जी का परिवार है, हर ऑटो के पीछे लिखा रह रहा है कि ऑटो में सवार मोदी का परिवार। तो अब ऑटो वाले सोचिए, ऑटो वालों को कोई बहुत लोग कहते हैं कि डीजल बढ़ गया पेट्रोल बढ़ गया इससे ऑटो वालों को और जो आम जनता उनको तकलीफें हो रही हैं, लेकिन ऑटो वाले अरे पीछे अपने ये बैनर ला के चल रहे हैं कि ऑटो में सवार मोदी का परिवार, तो मतलब बहुत अच्छी बात होगी तभी तो। पहले क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मयंक कौशिक है। और आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं भगवान जी के काशी जी के विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आया हूँ। जी कहाँ से आए आप? जी हम तीनों दोस्त दिल्ली से ही आए हैं। जी जी क्या लग रहा है इस बार माहौल आपके दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया? जी माहौल थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन देखो कोई चाहता है कि भाई आप पार्टी आए और हम जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि भाजपा आए, कुछ बदलाव आए, क्योंकि दोनों बार इसे कुछ हुआ नहीं है, हम तो यही चाहते हैं। 10 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं मोदी जी के? बेहतरीन रहा, देखो इंटरनेशनल लेवल से लेकर उन्होंने नेशनल लेवल पर काफ़ी वर्क किया है, जिससे काफ़ी कुछ सभी को प्रोवाइड हुआ है, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसीज को लेकर हो, काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है इस पर कुछ बोलेंगे? जी ये बोलेंगे, हाँ एक उनको तो जेल में डालना बनता भी था। अच्छा। कारण क्या है, क्यों बनता था? हमारे यहाँ, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर 3-4-5 किलोमीटर तक भी कोई ऐसी दुकान नहीं थी जहाँ पर शराब वगैरह मिलती हो, लेकिन जब ये ऑर्डर पास हुआ उसके बाद 5-7 दुकानें हमारे ही एरिया में विद इन 300 मीटर्स, इतने ही एरिया में कम से कम 5-7 दुकानें शराब की हमारे में खुल गई, और 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे वहाँ पे भी यही हाल था सेम की सेम, लेकिन वो दुकानें 2 महीने 3 महीने 6 महीने वो चली और वो बंद हो गई। लेकिन जिस आदमी ने क्या मकान बेच के अपना टेंडर उठाया, 20 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च करे, वो टेंडर के वहाँ की दुकान खरीदी, दुकान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करा, उसके बाद अपनी पूरी पूंजी लगा के अपना माल भरा, कहीं 3-4-5 करोड़ रुपए के नीचे एक एक आदमी आया था, जिन पूरी दिल्ली में जिन्होंने शराब के ठेके लिए थे उनके तो घर तक बर्बाद हो गए, उनकी बद्दुआएं भी तो लगेंगी। गलत तो हुआ है, ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच हो रही है, बस अपना काम ईडी सही से करे, और अगर साबित होंगे तो जेल जाना बनता है, नहीं होंगे तो बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? जी मोदी जी। एक तरफ विपक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाने वाला इलेक्शन है ये, लोकतंत्र की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के हमारे अनुसार लोकतंत्र की कुछ मतलब ऐसा तो कुछ खराब किया नहीं है मोदी जी ने हमारी नज़रों में आज तक, जो हमें दिखाई दिया है कि कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं दिखा हमें कि हाँ भाई लोकतंत्र की कहीं अवहेलना हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे हमें लगे कि हाँ भाई हम हमारा देश खतरे में है, हम खतरे में अपने घर होने के बाद, ऐसा तो कभी हमें फील नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हालांकि हम दिल्ली से हैं, केजरीवाल सरकार है, लेकिन हाँ हम वहाँ बैठे बैठे की बोलते हैं हाँ भाई योगी की सरकार है, योगी और मोदी की सरकार है, और मौज लो बस अपनी। सर आप कुछ बताइए। हम जी सर बिल्कुल दिल्ली से ही हैं हम भी, और एक ऐसे क्षेत्र से करते हैं जो NCR में आता है, हमारा नांगलोई से, और डेवलपमेंट के नाम पे तो आम आदमी ने बस खाली रिश्वत खाई है या उनके दरवाजे खटखटाते रहो छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए, तो वो बस खाली टाइम पास ही किया इन्होंने, तो आम आदमी पार्टी का आना। बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। बिजली फ्री कर दिया है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये एक चीज़ अच्छी है गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जीने का एक वो ज़रिया है, बट एक बिजली फ्री करने से डेवलपमेंट नहीं होता ना कहीं आप उसका आधा कर सकते थे, कोई दूसरा ऑप्शन निकाल सकते थे फिर, लेकिन
ठीक है गरीब आदमी को फायदा, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? बनारस आके कैसा लग रहा है? बनारस बहुत अच्छी जगह है, बहुत बहुत बेस्ट जगह है। हर हर महादेव। नहीं बनारस नहीं, यहाँ पे अभी तक भी ऐसा होता है कि कहीं भी हम गए ना, हम आप सपोज हम बहुत घूमते हैं, हम दोस्त लोग बहुत घूमते हैं, और घूमने के बाद हम मतलब क्या बोलते हैं, मनाली में, मसूरी में, डलहौजी में, उसके बाद गोवा तक चले गए। यहाँ के लोगों का प्यार, बात करने का तरीका, और यहाँ के अगर जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा है, अभी तक भी किसी पुलिस वाले को हमने किसी भी बंदे से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। पूरी दिल पूरे पूरे अभी तक भी जहाँ पे हम दो दिन हो गए बनारस में, कहीं तक कोई बदतमीजी नहीं देखा। कहीं जाम लग रहा है, इतना जाम है, जबरदस्त जाम है। यहाँ के लोगों को सैल्यूट है कि इन तंग गलियों में वो चलाते कैसे हैं। हमने टूर आने से पहले प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ पे बाइक रेंट पे लेंगे और घूमेंगे, लेकिन हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम पैदल घूम रहे हैं। यहाँ के लोगों को सैल्यूट है सच में, वो कैसे घूमते हैं पैदल, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सब लोगों में पेशेंस और पुलिस वालों का व्यवहार देखकर तो यहाँ की बनारस की तो बात ही अलग है। बस सही है मैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही है मैं। योगी जी के आने के बाद इतना गुजारना बहुत सही, बहुत सही है सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभिषेक यादव। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ का। लॉ का स्टूडेंट, यहीं बीएचयू से कर रहे हैं आप? नहीं, हरिश्चंद्र। अच्छा ठीक है, तो क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में? सब वगैरह सब चंगा सी, और सबसे बड़ी और काशी की धरती पे और काशी के सबसे प्रसिद्ध स्थल से आप यहाँ से कवरेज कर रहे हैं, तो आपने देख रहा होगा चूँकि चुनावी माहौल, हम भी जानते हैं आप चुनावी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले से ही शुरू कर देता हूँ, आपका एक रही बात चुनाव की, तो 110% मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी की दोबारा तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि आज जब आप जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह के बदलाव और विकास का सबसे जो आज इतना बदलाव हुआ है, और यहाँ पर आपको इतनी भीड़ दिख रही है और इतने सारे दुकान खुले हुए दिख रहे हैं, इन सबके पीछे किसका कारण हाथ है? इस पर प्रधानमंत्री जी का ही हाथ है। जब उन्होंने 2014 में यहाँ पे पहली बार फरसा चलाया, तो यहाँ पे पूरी 100-100 फीट ऊंची पूरी मिट्टी मिट्टी जमी हुई होती थी। कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा उधर भी दिखाने के। जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार फरसा चलाया, उसके बाद से लगभग 2-3 साल का समय लगा, उसके बाद से देखिए आज यहाँ पे सीढ़ियाँ, इतने सुंदर घाट, लोग आज रात के 11 बजने को करीब है, लोग यहाँ बैठ के आराम से चैन की सांस ले रहे हैं और आराम से खुले हुए, लड़के हों चाहे लड़कियाँ, एकदम योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आज लड़कियाँ भी खुले, हम यहाँ पे बैठ कर इस अच्छे वातावरण से, शांत वातावरण में अपना मन की बात, मतलब तो मन की बातों को देख रहे वगैरह वगैरह। विपक्ष के इल्ज़ामों की भी बात कर लें, कहा जा रहा है कि देश में महंगाई है, युवा बेरोजगार है, भटक रहे हैं, नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, इन सब पे क्या? पेपर रही बात पेपर लीक पे, तो इस बार सरकार ने संसद में एंटी पेपर लीक का एक्ट बना दिया, जिसमें उन्होंने बहुत कड़े नियम लागू किए कि अगर कोई भी सरगना होगा, किंग पिन होगा, तो उसको 10 करोड़ रुपए का सीधा जुर्माना लगेगा। तो अब हमारे ख्याल से पेपर लीक जो है उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आने वाली है। और रही बात महंगाई की, तो आप देख लीजिए कोविड के बाद से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ भारत ही एक देश है जिसने बहुत हद तक अपनी महंगाई को कंट्रोल, यहाँ की महंगाई को कंट्रोल करके रखा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का सशक्त और दूरदर्शी सोच है। और रही बात बेरोजगारी की, हमारे ख्याल से जितना रोजगार इस सरकार ने मिला है, हमारे ख्याल से 60 साल में कांग्रेस ने भी नहीं दे पाया है भाई। अगर 60 साल कांग्रेस ने काम किया होता, तो आज देश में बेरोजगारी जैसा मुद्दा ही नहीं रहता। और रही बात इकॉनमी की, कहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट में 6वीं-7वीं नंबर पर इकॉनमी थी, आज हमारी लगभग तीसरी अब दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनने कगार पर है। हम लोग $5 trillion की इकनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ यूपी में $3 trillion इकनॉमी के बाद, इकनॉमी की बात कहाँ होती है? जहाँ विकास होता है, जहाँ डेवलपमेंट होता है, जहाँ सरकार काम करती है, वहाँ बात होती है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल नाम पड़ेगा। राहुल नाम जी। तो कैसा लग रहा है बनारस में, जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने हैं, तो विकास वगैरह? एकदम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मैं काशी को क्योटो बनाऊंगा, वो धीरे धीरे सही होते जा रहा है। आज हम लोग 12 बजे रात तक घूमते रहते हैं, कोई बदमाशी अपराधियों का डर नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा भयमुक्त बनारस बन गया है। और सही पहले क्या हुआ करता था, जब आप यहीं के रहने वाले, इसलिए मेरा ये सवाल है कि 2014 से पहले यहाँ का माहौल कैसा था? माहौल यहाँ बड़ी शांत है, कोई आते नहीं थे, टूरिज्म प्लेस नहीं था। इन्हीं सब को देखते हुए मोदी जी के शासनकाल में बनारस खूब उभर रहा है, और ये गारंटी है कि मोदी जी फिर यहाँ से जीतेंगे, हारेंगे नहीं। इंडिया गठबंधन की तरफ रहा है कि लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है। अब इंडी गठबंधन के पास है क्या? कुछ नहीं है। अब इंडिया नाम देके कोई इंडिया का वोट थोड़ी ले सकता है। तो किन मुद्दों पर वोट होनी चाहिए इस बार भारत में? क्योंकि मोदी जी का सपना है भारत को विकसित राज्य, विकसित देश बनाने का। तो मुद्दा वही है, अगर 10 साल हम लोग डबल इंजन की सरकार रहे तो काफी हद तक भारत का विकास होगा। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी।
क्योंकि महंगाई बेरोजगारी सब मुद्दा बनेगा 2024 में? महंगाई तो हमें नहीं लगता, हमें 2014 में 80 रुपये पेट्रोल था, आज भी 100 रुपये पेट्रोल है, 20 रुपये का अंतर है। 470 में हम सिलेंडर दे रहे थे, ये 1200 का सिलेंडर दे रहे अभी कहाँ, 870 का सिलेंडर मिल रहा है, कोई महंगाई नहीं है। 2014 में वेतन मान लीजिए किसी भी कर्मचारी अधिकारी का वेतन दोगुना हो गया, तिगुना हो गया है, तो क्या महंगाई उस रेशियो से बढ़ा तो नहीं है? महंगाई उस रेशियो से बढ़ा नहीं है, महंगाई का रेशियो 20-30% है। लेकिन यही सवाल अगर लोग कहते हैं कि वेतन उन्हीं का बढ़ा है जो लोग सरकारी नौकरी में थे, ऐसे देखिए तो आज भी लोग 8,000-10,000 पे खट रहे हैं। नहीं नहीं, वेतन प्राइवेट सेक्टर का भी वेतन बढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर का तो वेतन आपको 5-6 लाख रुपए किसी भी आप उसमें जाएंगे तो 5-6 लाख रुपए का पर मंथ पर एनुअल है। हाँ, गुंडागर्दी भी हुआ करती थी बनारस में पहले? नहीं ऐसा नहीं है, पहले से ऐसा नहीं है, इसके लोग यहाँ बड़ी अच्छे हैं, गुंडागर्दी नहीं होती, संयम के साथ रहे। हाँ, 2024 को इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल बन रहा है देश में और बनारस के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर? बनारस के अंदर तो मोदी जी के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता, ये तो तय है, और देश में भी अभी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी जी तो रहेंगे ही रहेंगे। और जब से वो भाजपा की कमान उन्होंने संभाली है तब से देश को बहुत आगे ले गए, और इसीलिए अभी तो एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, लोकतंत्र खत्म आ गया, तानाशाही आ गई है, ये जो इलेक्शन है वो तानाशाही हटाने वाला इलेक्शन आ रहा है, ये लड़ाई है एक तरीके की। विपक्ष का तो काम है कुछ न कुछ बोलना, कोई भी विपक्ष होगा वो तो बोलेगा ही, बाकी सारी चीज़ें जनता जान रही हैं, सबके सामने हैं, जो भी है एकदम पारदर्शिता से काम होता है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देख लीजिए कि जब से इनकी सरकार बनी है तब से देश कितनी तरक्की पे है, कितना आगे जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है ऐसी हैं कि जिसमें कुछ काम करने में कठिनाई होती है, लेकिन ये हर सरकार में होता है, कुछ प्लस तो कुछ माइनस होता ही है। क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जो है जनादेश वो प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं रहेगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ प्रतीक नहीं हो रहा है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, अभी तो सिर्फ मोदी जी ही रहेंगे। हाँ, मोदी जी ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? अमन खान साहब, क्या माहौल है? माहौल राजनीति चुनाव का माहौल है, बाकी अब वोटिंग के दिन पता चलेगा। आपका क्या नाम है? रोहन सहानी। आप लोग दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम एकता तो यहीं पर देखने को मिली, तो उससे क्या हुआ? जो कार्य करेगा उसके लिए ही रहेगा ना, ना दिल का संबंध और भाई का नाता है, कोई धर्म कोई जाति कुछ नहीं। विपक्ष कह रहा बड़ा हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी, कुछ नहीं है सब, जोर से बोलिए, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष का कहना है, वो बोलना है, बोलना सब कोई बोलेगा। वोटर हैं वो, वोट देते हैं? हां, क्यों नहीं वोटर है, 5 साल से देवती वोट था, 23 साल आपका उम्र हुआ है ना। अब महंगाई बेरोजगारी सब कुछ है देश के अंदर? कुछ महंगाई रोजगारी बेरोजगारी है, लेकिन उतना मतलब कि यहाँ पे दे दिया गया है सुविधा कि यहाँ के लोग खा सकते हैं। हाँ, बनारस के अंदर? हाँ। क्या यहाँ आप लोग, आप भी यहीं पर्यटन स्थल इतना बना, पर्यटक इतने आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि गरीबी से मरे, इतना तो है कि हाँ, वहाँ देखिए लोग सोया हुआ है, वो लोग का काम है, वो लोग अभी एक लोग को देंगे तो सब उठ के आएंगे। हाँ, गरीबी है ना ये तो? अरे गरीबी है, वो लोग अपने से गरीब बने हैं कि ये सब उम्र है, हाथ पर नहीं है, भगवान दिए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, क्या करते हैं ये लोग? हाँ, उठेंगे पैसा भीख मांगेंगे और क्या करेंगे, तब जिसका हाथ पर नहीं वो सब काम कर रहे हैं, लोग को भी काम करना चाहिए। तो देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी सब मुद्दा बन पाएगा इस बार के इलेक्शन में या फिर एक तरफा जो 2019 और 2014 में हमको देखने को मिला था? बस, क्योंकि 2014 में भी बीजेपी ने भाजपा ने महंगाई बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा बात की थी और बहुत सारे आंदोलन किए थे उन्होंने, पर इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार भी जो है जनादेश वो मोदी के पास ही रहेगा या फिर बदलाव? नहीं, बदलाव अभी नहीं होगा, अभी हमको लगता नहीं कि बदलाव होगा, अभी सरकार इन्हीं की चलेगी। इन लोगों ने जो इंडिया गठबंधन नाम से जो गठबंधन बनाया, सारे दल एक हो गए हैं, तो टक्कर दे पाएंगे? टक्कर में रहेंगे, लेकिन सरकार तो चलेगी अभी भाजपा की। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो लग रहा है 400 पार हो जाएगा। आज नारा जो आता है वो तो पार हो ही जाता है, तो इसमें शक कहाँ है,
शक इसमें नहीं है, अभी रहेंगे लोग। हम यही लोकल बनारस के रहने वाले? नहीं नहीं, हम तो जौनपुर से हैं। अच्छा, आप भी जौनपुर? जौनपुर से हैं, लेकिन हमको लगता है अभी सरकार चलेगी। अच्छा, बाबा जी की, योगी जी की। तो क्या उधर गुंडागर्दी पहले हुआ करता था, अब कम हो गया, क्या है मतलब? गुंडागर्दी तो कम हुआ है, लेकिन ये गुंडागर्दी तो है, रुकने वाला नहीं है। अभी भी है? अभी भी है, और ये किसी की सरकार में रुक नहीं सकती गुंडागर्दी। थोड़ा बहुत तो हमेशा वो चलता ही रहेगा। ये जो मुख्तार अंसारी जो जिनकी डेथ हो गई है, उसके बारे में, वो भी बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, तो क्या है? उन जानते ही हैं। गाजीपुर से इस बार कहा जा रहा है कि भावनाओं में बह करके सब वोट दे देंगे। अच्छा, अफजाल जी को? हाँ, लग रहा है माफिया कह रहा है कोई मसला। बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए हम चलिए 2024 में क्या मोदी जी आएंगे वापस, लग रहा है हमको आएंगे वही।